अभय कुमार जैन, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम लीडर, जिला शिवपुरी। आज से 1.5 वर्ष पूर्व मैंने अल्पविराम के कार्यक्रम शुरू किए थे। उसके पहले, अल्पविराम के पहले और बाद में मेरे जीवन में क्या परिवर्तन हुआ। सबसे पहले तो मेरा जो मेरी पत्नी के साथ जो रिलेशन था अधिक सकारात्मक नहीं था, क्योंकि पत्नी का हमारे माता पिता के प्रति झुकाव नकारात्मक रहा है। उनसे काफ़ी मेरा झगड़ा चलता रहता था, ऐसा लगातार 15-16 वर्ष तक रहा। जैसे मैंने अल्पविराम किया, अपने अंदर झांका, तो सबसे पहले मैंने अपना रिश्ता अपने साथ सही किया। जब मैं अपने साथ मेरा रिश्ता सही हुआ तो मैं अपनी पत्नी को माफ़ कर पाया और उनसे अब मेरा वर्तमान में जो एक रिलेशन है बड़ा अच्छा सकारात्मक है और हम अपने परिवार में बहुत अच्छे से रह रहे हैं। अल्पविराम करने के बाद दूसरा एक परिवर्तन मेरे जीवन में हुआ। मैं स्कूल शिक्षा विभाग में था, उस समय मेरे द्वारा कुछ ऐसे रिश्वत का काम जो मैंने किया था उसको मैंने स्वीकार किया और उस पैसे को मैं जहाँ से मैंने लिया था वहाँ वापस करने का प्रयास किया। तो एक बार मैंने फ़ोन भी किया उनको, उन्होंने मना किया कि ऐसा पैसा हमने तो आपको दिया नहीं था। फिर उस पैसे को मैं अपने ही विभाग में विभिन्न कार्यों में उस खर्च कर दिया और मैं अब वर्तमान में पूरी तरह से ईमानदार अपने को महसूस करता हूँ। तीसरा जो एक परिवर्तन मेरे जीवन में हुआ कि हमारे चाचा जी थे, उनसे विगत 25 वर्ष से मेरा बोलचाल बंद था। मैं उनके घर गया, उनसे माफ़ी मांगी तो उनको भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि बालक इतने वर्षों से हमारे घर आया नहीं था लेकिन आज क्यों आया है। जब मैं उनके पास गया तो उनको भी अंदर से बड़ी संवेदना महसूस हुई और हमारी जो चाची जी थी उन्होंने मेरे को गले लगाया। तो उनसे जो मेरा एक दूरी का रिश्ता था वो हमेशा के लिए समाप्त हुआ, उनका अपनापन हुआ, उनके घर मेरा आना जाना हुआ। अल्पविराम का जो इम्पोर्टेंस है मेरे जीवन में, अब मैं प्रतिदिन सुबह 2 घंटे अपने साथ शांत समय लेता हूँ और जीवन की जो भी समस्या है, जो भी मेरे को ज़िंदगी में कठिनाइयाँ रहती हैं, वो शांत समय के बाद मेरे को उससे मैं मुक्त हुआ हमेशा के लिए। अब मैं अपना जीवन अपने पर्सनल चेंज से अब मैं बियॉन्ड की तरफ काम कर रहा हूँ। मेरे जीवन में जो परिवर्तन हुआ है उसको मैं दूसरों तक पहुँचाने के लिए मैंने जिला जेल शिवपुरी में कलेक्ट्रेट शिवपुरी और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट शिवपुरी में भी कुछ कार्यक्रम किए और ज़िले के अन्य जो ब्लॉक लेवल पर भी मैंने अपने काम किए। मैं किसी आदेश का इंतज़ार नहीं करता हूँ, न इस भाग को मैं सरकारी मानकर किसी आदेश की प्रतीक्षा करता हूँ। मैं अपने स्वयं के व्यय पर अपनी गाड़ी को उठाकर विभाग से थोड़ा संपर्क बनाकर एक कार्यक्रम करता हूँ। जेल में मैं एक कार्यक्रम किया, उसमें एक कैदी ने जब वो बाहर आया तो उसने अपने जीवन की कहानी मेरे को शेयर की। तब मेरे को लगा कि मैंने जो काम किया है उसका प्रतिफल अब मेरे को मिलने लगा है। एसपी ऑफिस शिवपुरी में एक महिला ने जब मेरे को स्वीकार किया अलग से आकर कि आपके अल्पविराम के बाद मैंने जीवन में बहुत कुछ पाया है और अपनी चुनौतियां जीवन की मेरी सॉल्व हुई। थैंक यू।